हेलो चार्जन कॉलूज नमस्ते सलाम वालेकुम सस्त्रीकाल केम चो कसकाय केडो हाल है केमोना चो। सो बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ चुके थे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और कहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, कहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है, इससे रिलेटेड हमने नॉलेज लिया। और फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि ऐसा मोशन जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, है ना। फिर मैंने आपको वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट बताए छोटे मोटे, है ना। वहां पे मैंने आपको बताया रिएक्शन टाइम के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल, कुछ इंटरेस्टिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको कराए कि भाई जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, वो एक पर्टिकुलर रिटार्ड मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उसके पास में थी और वो रिटार्ड होती है और वो कोई डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। फिर मैंने बताया अगर वही बॉडी की जो स्पीड है वी से एन वी हो जाए और वही रिटार्डेशन फोर्स उसको दिया जाए तो बताओ कितनी दूर में जाके वो रुक जाएगी, इस तरह की बातें हमने करी। और मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो बातें हमने करी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से आते हैं आपके नीट के एग्जाम में, आपके जेई के एग्जाम में मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। इससे तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को फटाफट से अपन। तो भाई साहब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पर अपन कुछ करके देख सकते हैं। भाई मैं अगर बोलूँ आपसे कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी का मीनिंग क्या है, मायने क्या है, तो यहाँ पर कुछ अपन को अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, कुछ बातें हमको करनी पड़ेंगी। पहले देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने किसी बॉडी को क्या करा, आपने h हाइट से मान लो ये h हाइट है और इस h हाइट से अगर किसी बॉडी को अगर आप छोड़ देते हो, रिलीज कर देते हो, है ना, रिलीज कर देते हो। रिलीज करने का मतलब आपने इसको u बराबर जीरो से यहां से छोड़ना है, u बराबर जीरो से आपको यहां से छोड़ना है, रिलीज करना है। मतलब ओके सर, बहुत बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन मैं दोबारा दूं आपको, क्या दूं, मान लो ग्राउंड से क्या किया आपने, एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉल को किसी u वेलोसिटी देकर आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या होगा, ये बॉल पहले ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। मतलब ऐसे ऊपर जाए तो इसी पाथ में वापस नीचे आ जाएगी। मतलब हाँ सर, यहां पर वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी। या फिर आप एच हाइट से क्या करते हो, किसी बोल को, मान लो जो एच हाइट है या बिल्डिंग है वहां से आपने एक बोल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बोल ऐसे ऊपर जाएगी, यहां पे स्पीड जीरो होगी, फिर वापस वो नीचे ऐसे ऐसे नीचे आएगी, ठीक है ना। या फिर बोल को आपने ऊपर से नीचे फेंका। तो ये जो तीनों चारों जो केस आप देख पा रहे हो, इन तीनों चारों केसेस में बच्चा पार्टी, इन तीनों चारों केसेस के अंदर हो क्या रहा है, बॉल के ऊपर, चाहे बॉल कहीं पर भी हो, चाहे बॉल यहां पर हो, बॉल जैसे मान लो यहां पर जब भी अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो भाई हो क्या रहा है, इस बॉल को जब आप यू स्पीड देते हो तो ये बॉल ऊपर जाती है, ये बॉल ऊपर जाती है, जा रही है। बोल हां सर, बॉल ऊपर जा रही है। और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है क्या वैसे वैसे स्पीड कम हो रही है क्या? हां सर, एक पॉइंट पे जाके स्पीड इतनी कम हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया अपना अपवर्ड मोशन। कौन सा मोशन हो गया साहब? अपवर्ड मोशन हो गया। अब चाहे बोल यहां पर हो, चाहे बोल यहां पर हो, कि कहीं पर भी हो, अपवर्ड मोशन में जाते समय इस बॉल पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या है, m into g। फोर्स क्या है, m into g। अब यहां वेलोसिटी जीरो, तो बॉल वापस नीचे आएगी। तो डाउनवर्ड मोशन को मैं यहां से ऐसे दिखाते हैं, जब अपन पढ़ते हैं ना मोशन ग्रेविटी को, डाउनवर्ड मोशन को अपन ऐसे अलग से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं अपन अपवर्ड मोशन और इसको अपन दिखाते हैं डाउनवर्ड मोशन, समझ रहे हो, ये अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड मोशन। पर रियलिटी में क्या होता है, बॉल इस रस्ते में जाती है और इसी रस्ते में वापस ऐसे आती है, पर हमको दोनों मोशन को एनालाइज करना होता है। इसलिए मैं एक ट्रिक लगाते हैं, मतलब बच्चों को समझाने के लिए, कि हमको समझ में आए कैलकुलेशंस के लिए, सिंपली के लिए, कि भाई अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन ऐसे। पर ऐसा नहीं होता कि बॉल फेंक दो तो बॉल ऐसे जाती है, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आती है, ऐसे नहीं होता। बॉल जाएगी ऐसे, ऐसे आएगी, ये क्लियर होना चाहिए। तो चाहे अपवर्ड मोशन हो, चाहे डाउनवर्ड मोशन, चाहे बॉल की पोजीशन कहीं पर भी हो, बॉल की पोजीशन कहीं पर भी हो, उस पर एक फोर्स लग रहा है कॉमन, और वो क्या है, वो फोर्स क्या है, mg।
तो सबसे पहली बात करें कि जो फोर्स उस बॉल पे लगेगा वो फोर्स क्या है, एमजी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ये एमजी लगेगा। इस केस में भी लगेगा, मान लो बॉल अगर नीचे गिर रही है ऐसे डाउनवर्ड मोशन कर रही है, बॉल अगर यहां है तो एमजी लगेगा, यहां है तो भी एमजी लगेगा, है ना। इस केस में ऊपर जा रही है बॉल तो भी एमजी लगेगा, नीचे आ रही तो भी एमजी लगेगा, इस केस में भी लगेगा। तो यहां से देखिए फोर्स एमजी लग रहा है, फोर्स एमजी लग रहा है, अच्छा अच्छा, तो मास का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये मास का जो मल्टीप्लीकेशन होता है फोर्स जब होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का मल्टीप्लीकेशन एक्स, तो इसका मतलब जी है जो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे इसको, समझ रहे हो, बोलो ओके, समझ मेरी बात। तो जब ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन केवल ग्रेविटी के अलोन हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट का मोशन केवल ग्रेविटी के अलोन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्रेविटी के अलोन हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कह रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कह रहे हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी जो पढ़ रहे हैं अपन अभी, वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग पढ़ा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग पढ़ा जा रहा है। जैसे मान लो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल बनाते हुए फेंका, है ना, तो इसका मोशन भी ग्रेविटी के अलोंग, यहां पर भी बॉडी के ऊपर, यहां पर एमजी फोर्स, यहां पर एमजी फोर्स, यहां पर एमजी फोर्स लग रहा है, पर एक वेलोसिटी के कम, दो वेलोसिटी हो गई, तो ये वेलोसिटी हो गई, ये देखिए वेलोसिटी, उस वजह से बॉल आगे जा रही है ऐसे और ऐसे घूम रही है ना। तो ये भी जो है मोशन वो ग्रेविटी के अंडर ही है, समझ रहे हो। बट अभी हमें जो मोशन पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं पढ़ना, स्ट्रेट लाइन के अलोंग पढ़ना है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम पढ़ते हैं। ये जो जी की वैल्यू हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के, जो आपके मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर है, जब तक हम सॉल्व करेंगे इस जी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, और ये लगभग वैल्यू किसके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया 9.8 मत लो, 10 ले लो, 10 लोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट से आएगा, 10 लोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आएगा, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, ओके। और ये जो वैल्यू है हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और ये वैल्यू कांस्टेंट कब तक रहती है ध्यान समझना, क्योंकि जब हाइट, जो हाइट होती है, मतलब जब आप बॉल को फेंक रहे हो, है ना, तो वो एच जो है, अगर वो अर्थ की रेडियस से बहुत कम है, अर्थ की रेडियस से एच क्या है, बहुत कम है, जैसे अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है, आप बॉल फेंकोगे मुश्किल से 50 मीटर 40 मीटर, बहुत ज्यादा ताकत है 100 मीटर फेंक दी, समझ रहे हो, तो फेंक ही नहीं पाओगे। तो मतलब जो 100 मीटर है, 50 मीटर है, 60 मीटर है, वो अर्थ की रेडियस से कंपैरिजन, मतलब 6400 किलोमीटर कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये चीजें हम सारी जो है ग्रेविटेशन का जो चैप्टर आएगा आगे उसमें पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखें कि जी की जो वैल्यू ली जा रही है वो 9.8 या 10 ली जाएगी, बोलो ओके साहब। अच्छा, अब चूंकि जी जो है वो क्या है, जी जो है भाई साहब वो है एक्सेलरेशन, क्या है जी, क्या है एक्सेलरेशन, है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही, और अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है साहब, वेक्टर क्वांटिटी है। ओ भाई, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या वेक्टर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होती है, यस 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 सर, वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, यस बेटा, ध्यान से मानना बेटा, ध्यान से मानना बेटा। अब कैसे हम काम करेंगे ध्यान से मानना, मैं जो पहला केस ले रहा हूं वो पहला केस क्या है मोशन ग्रेविटी में, When an object is released from height, मान लो ये हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा, एक बिल्डिंग पे चले गए हम एक बिल्डिंग पे चले गए वहां चले गए, और यहां से हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं साहब, ड्रॉप कर रहे हैं, समझ रहे बात को, वो केस पढ़ रहे हैं। तो यहां अजम्पशन हमको लेना चलना, पहला तो ये लेके चलना है कि जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लेंगे, ठीक है। अच्छा, बात नंबर दो ये, चूंकि जी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी साहब, जी कैसी क्वांटिटी है साहब, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। चाहे जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी,
है ना, नीचे तरफ आ रही होगी। तो इस बॉल के ऊपर अगर कहीं पे भी आप पोजीशन पे अगर बॉल को देखोगे तो आप पाओगे कि उस पर जो फोर्स होगा एम जी वो नीचे लगेगा। और अगर किसी केस में अगर आपने बॉल को ऊपर भी फेंका है, बॉल अगर ऊपर भी जा रही है तब भी तो एम जी नीचे ही लगेगा ना। बोला हां सर एम जी तो नीचे लगेगा। तो भाई जब एम जी नीचे लग रहा है तो जी की डायरेक्शन किधर हुई? भाई जी की डायरेक्शन किधर हुई? तो सर जी की जो डायरेक्शन है वो किधर हुई? डाउनवर्ड हुई सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। यस सर, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है सर। बोला अच्छा साहब, अब अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हम इसकी जो वैल्यू है वो किस में लेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करते समय नेगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे? नेगेटिव। तो जी ऑलवेज टेकन नेगेटिव, जी को आप हमेशा नेगेटिव लोगे, चाहे बॉल नीचे आ रही हो या ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही हो। जब भी ये मैं बात बोलता हूं, 11th क्लास के बच्चे बोलते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो। बोले क्यों? बोले हमने जब 9th 10th में पढ़ा था तो सर ने हमको बताया था अलग ही कुछ, है ना, कि सर ऊपर जाए तो पॉजिटिव लो, नीचे आए तो नेगेटिव लो। उनका कन्वेंशन थोड़ा अलग था, पर मैं बातें बड़ी सिंपल रखता हूं। तो ध्यान रखो जी हमेशा क्या लेना, नेगेटिव लेना। वहीं से आपके सवाल होंगे अच्छे वाले, नहीं समझना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, गलत कर दो चीजों को। क्योंकि अभी समझो ना कि बॉडी अगर नीचे आ रही है, एमजी हमेशा नीचे लग रहा है, एमजी अगर नीचे लग रहा है तो जी की डायरेक्शन नीचे, नीचे तरफ है तो नेगेटिव। और कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऊपर होगी, चाहे वो वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर हो, चाहे वो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो, कैसा भी वेक्टर हो, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है तो ध्यान समझना उसको पॉजिटिव लेना, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसको नेगेटिव लेना, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो उसको पॉजिटिव लेना, और कई वेक्टर की डायरेक्शन अगर इधर है तो उसको नेगेटिव लेना। यही हम करेंगे और यही से सारे सवाल हम कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ये अपन को टाइम से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, देखना। तो भाई जी नेगेटिव लेना क्योंकि जी डायरेक्शन हमेशा नीचे रहेगी, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, क्योंकि एमजी तो हमेशा नीचे लगेगा। बॉल अगर ऊपर भी जा रही है ना तो भी एमजी नीचे, और बॉल नीचे आ रही है ना तो सर एमजी तब भी नीचे, और एमजी अगर नीचे तो जी नीचे, जी नीचे तो जी नेगेटिव। वेक्टर की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ, वेक्टर की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ, वेक्टर डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ तो उसको नेगेटिव लेंगे। ओके साहब बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा, जो टेंशन लेकर हम चलते हैं वो लेके चलते हैं कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये मान के हम चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। कहीं कहा नहीं गया इसका मतलब हमें मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस वहां नहीं है। अच्छा मान लो एक सिंपल सा अपन एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप घर पर करना चाहो, आप एक कागज लेना, चलो एक मिनट रुको मैं कुछ कागज और एक कॉपी लेके आता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में ये कॉपी है, ठीक है साहब, और मैंने क्या करा इसमें से एक पेज फाड़ लिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब मेरा एक सवाल है, आप करके देखो, घर पे करके देखो, वीडियो देखने के बाद वीडियो पॉज करके देखो कि ये कागज है और भाई ये कॉपी है, इसको छोड़ दो, एक साथ छोड़ दो। मेरा सवाल ये है कि जब आप इनको छोड़ोगे तो कौन पहले गिरा, कागज या वो नोटबुक? करके देखो फिर जवाब देना, सोचो मत पहले, करके देखो। फिजिक्स का मतलब ये है कि करके देखना, करके देखना, करके देखना भाई, बिना करे तो कुछ नहीं समझ नहीं आने वाला। अच्छा करके देखेंगे। सर कॉपी नीचे गिरी हमारी तो? यस कॉपी नीचे गिरी साहब। क्यों गिरी कॉपी नीचे पहले? कॉपी नीचे पहले क्यों गिरी साहब? अच्छा अब एक एक्सपेरिमेंट और करना, अब इस कॉपी के ऊपर ये कागज रख देना, इस नोटबुक के ऊपर ये कागज रख देना, अब छोड़ना, इस नोटबुक के ऊपर ये कागज रख देना, अब छोड़ना। अब आप ये देखोगे कि दोनों के दोनों साथ गिरे, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब अलग अलग गिर रहे हैं तो ये पहले गिर रहा, ये आराम से आ रहा, और जब इसको इस पर रख के गिर रहे तो दोनों साथ गिर रहे, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो लोचा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, लोचा क्या है, ये लोचा क्या है? कोई जवाब देना चाहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, है ना, आपके जवाब। चलो मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको। देखो जब भी बॉडी गिरेगी, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो के अंदर खड़ा हूं, कमरे में खड़ा हूं, यहां पर एयर है और यहां पर एयर है तो एयर का रेजिस्टेंस है, यस और नो? बोलिए सर।
अब जब मैं इसको छोड़ रहा हूं और मैं इसको छोड़ रहा हूं, एयर का रेजिस्टेंस दोनों पे है, समझ रहे हो, एयर का रेजिस्टेंस दोनों पे है, इसका मास क्या है, ज्यादा, इसका मास क्या है, ज्यादा, समझ रहे हो। अरे तो क्या हो रहा है, ये फटाफट गिर गया, और ये जो है इसका मास कम है, इसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, पर इस पे, जो है ना, ये इस पे ज्यादा हो गया, इसी कंपेरिजन से ज्यादा हो गया, तो क्या हो रहा है, ये आराम से गिर रहा। पर जैसे ही आप इसको इसके ऊपर रख दोगे, अब एयर रेजिस्टेंस केवल इस पे अप्लाई हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस केवल अब इस पे अप्लाई हो रहा है, इस बॉडी पे, तो एयर के रेजिस्टेंस ये रोक रहा है, तो इस वजह से दोनों साथ गिरे, समझ रहे हो। तो ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि अलग अलग करने पर ये बाद में गिर रहा है और ये पहले गिर रहा है, पर इसके ऊपर जब आप इसको रख दोगे, है ना, तो दोनों क्या गिर रहे हैं, दोनों क्या गिर रहे हैं, साथ गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार ये कॉपी ने क्या करा, जो एयर रेजिस्टेंस है वो इस पे आने नहीं दिया, तो जो एयर रेजिस्टेंस इस पे था, है ना, समझ, इस पे था, उस पे लगा, इस पे लगा नहीं, तो जैसे जैसे गिरता गया इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे खिंचाता गया, समझ रहे बात को। अगर मास की वजह से ऊपर नीचे होता तो अलग ही बात होती भाई साहब, मास की वजह से ऊपर नीचे होता अलग बात, क्योंकि देखो मालिक का तो मास कम है, इसने आप इसके ऊपर रखा, अगर इसका मास कम होता, मास कम होने की वजह से अगर ये अलग होता तो ऐसे गिरता तो ये आपको ये पेज अपने आप अलग हो जाता और नीचे गिर जाती, पर ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये हो किसकी वजह से रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, समझ रहे बात को, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से चीजें हो रही है लोग के सर। अच्छा, अगर इन दोनों चीजों को अगर आप वैक्यूम में गिराते तो क्या होता, इन दोनों चीजों को अगर आप वैक्यूम में गिराते तो दोनों फिर ये साथ गिरते हैं, वैक्यूम में गिराते अगर इन दोनों चीजों को आप, तो ये साथ गिरते हैं, समझ रहे हो, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में दोनों साथ गिरते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, टी बराबर होता है अंडर रूट 2h/g, तो टाइम दोनों को सेम ही लगता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है केवल एच पर डिपेंड करता है, एस सेम, जी सेम, समझ रहे हो बात को। पर इस सिचुएशन में अब ये साथ गिरेंगे, तो कहानी एयर रेजिस्टेंस में जरूरी, ठीक है। खैर, तो जी 9.8 लेंगे अपन, जी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्यों नेगेटिव क्यों रहेगी, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन, जी डायरेक्शन नीचे तरफ, नीचे की तरफ, इसका मतलब डेफिनेटली इसको हम नेगेटिव लेंगे, एयर रेजिस्टेंस हम मानेंगे नहीं। अब यहां पे इस कंडीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, पहला कि जब ये अपने अजम्पशंस हो जाएंगे, ये अपने अजम्पशंस हो जाएंगे, ये अपने अजम्पशंस हो जाएंगे, बोलो ओके सर, अब ध्यान सुनो कि जब ये बॉल नीचे गिर रही है, आपने इसको जो छोड़ा है, रिलीज किया है, ड्रॉप किया है यू बराबर जीरो से, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे क्या होगा, तो जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे सर जो स्पीड है, स्पीड जो है ना, स्पीड इंक्रीज होगी, तो पहली बात तो क्या है, स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, लिख देता हूं, स्पीड इंक्रीजेस, यस और नो, यस सर। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, यस और नो, यस सर। अच्छा, बॉल नीचे आ रही है ना, तो वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, नीचे तरफ, नीचे तरफ है, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर, नीचे तरफ है, समझ रहे हो, डाउनवर्ड है। जी की डायरेक्शन किधर है, नीचे तरफ है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे तरफ है, इस केस में अगर बात करें तो वेलोसिटी इस केस में हमेशा क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी मोशन डे ग्रेविटीज होते हैं, जितने भी मोशन डे ग्रेविटी केसेस होते हैं, वो सब, क्योंकि यहां पर जी क्या है, कॉन्स्टेंट है, जी क्या है, जी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और भाई अगर जी कॉन्स्टेंट होता है, जी अगर कॉन्स्टेंट होता है, जी अगर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो मोशन ग्रेविटी जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल किसके होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सबसे अच्छे केसेस यही हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं। ओके, सो यहां बहुत सारे सवाल आपसे पूछ जा सकते हैं। पहला, जब आप बॉल को ऐसे छोड़ते हो, यहां से आप छोड़ते हो, तो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी, है ना, क्या पूछा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, या स्पीड ऑफ बॉल एट एनी टाइम, स्पीड ऑफ बॉल एट एनी टाइम। भाई अगर हम ये वाले इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्यों यूज कर रहे हैं अपन, हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस r स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v एवरेज बराबर u प्लस v बाई 2। ऐसे इक्वेशंस हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या यहां पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हां है, कितना g, कितनी वैल्यू, 9.8। ओके, सो v इज इक्वल टू u प्लस 80 सर, v इज इक्वल टू u प्लस 80 सर,
सो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, है ना, मान लो इस कोई भी टाइम टी पर, सो भाई डायरेक्शन की तरह वेलोसिटी की बताओ, सर नीचे, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, वेक्टर है वेलोसिटी, और वेक्टर अगर वेलोसिटी तो, और डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव का लेंगे, ओके, सो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी की बात करें तो ये माइनस वी टी लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है वेलोसिटी डायरेक्शन, और वेक्टर डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, वेक्टर की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ, इसका मतलब इसको नेगेटिव में हम लेंगे। नाउ व्हाट अबाउट यू बच्चा पार्टी, सर यू इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू इज जीरो, तो सो आई एम राइटिंग हियर जीरो, फाइन, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है कहानी, यहां तक सही है। एंड व्हाट अबाउट द ए, ए इज एक्सेलरेशन, एंड इन दिस केस एक्सेलरेशन इज जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, सो वी विल टेक इट नेगेटिव, बिकॉज इफ वेक्टर इज डाउनवर्ड देन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन वी टेक इट्स नेगेटिव, सो हियर ए इज जी एंड वी टेक इट नेगेटिव, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो वेलोसिटी एट एनी टाइम इज जी टी, क्लियर, ओके सर, ये पहली क्वेश्चन आ गई भाई साहब, तो किसी भी टी टाइम में वेलोसिटी क्या है, मैं अभी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा था, एक सेकंड बाद वेलोसिटी पूछूं, और जी को अगर मैं 10 मानते चलता हूं तो मैं बोलूंगा 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद में बोलूं तो 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद में बोलूं तो 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए आपके, तो जब किसी बॉल को एच हाइट से छोड़ा जाए तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी सर, 2 सेकंड बाद में कितनी सर, 20, 3 सेकंड बाद में कितनी, 30, 4 सेकंड बाद में कितनी, 40, 5 सेकंड बाद में कितनी, 50, 6 सेकंड बाद में कितनी, 60, ऐसे ऐसे दिमाग में, क्योंकि v बराबर gt है ना, किसी t टाइम पे वेलोसिटी gt, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, t की t है, 1 सेकंड बाद में t बराबर 1, 2 सेकंड लेंगे t बराबर 2, 3 सेकंड लेंगे t बराबर 3, g की वैल्यू 10, 3 सेकंड बाद में 30, 4 सेकंड बाद में 40, 5 सेकंड बाद में 50, 6 सेकंड बाद में 60, ऐसे आप पता कर सकते हो, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए, ओके साहब, ओके ओके, और क्या सवाल बन सकता है, अच्छा ग्राफ बनाए, ओह माय गॉड की कसम, वेलोसिटी एट टाइम टी और टी में ग्राफ बनाए, क्योंकि ये क्या है, वी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आएगा, हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता, तो वाई की जगह वी है तो ये इधर आ गया, और एक्स किधर आता है, इधर आता है, तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी लिख दिया, ठीक है ना, और एंगल क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा उससे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, टी इक्वल टू जीरो पे जीरो, 1 सेकंड के बाद में 10, 2 सेकंड के बाद में 20, 3 सेकंड बाद में 30, 4 सेकंड बाद में 40, 5 सेकंड बाद 50, 6 सेकंड पर 60, 7 सेकंड पर 70, 80, 90, ऐसे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, ओके, तो ये बताओ मास्टर को कि जब बॉल को ऐसे छोड़ा, बॉल को ऐसे छोड़ा या ऐसे छोड़ा, तो ग्राउंड पर जब ये बॉल गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, और कई बार बच्चे 11th क्लास के बोल देते हैं सर ये बॉल जब ऐसे गिरेगी तो सर इसकी स्पीड जीरो होगी, हे अगर इसकी स्पीड जीरो है ना तो आज एक एक्सपेरिमेंट कर ले, बोला सर क्या करूं, बोले अपने दोस्त को एक बिल्डिंग पे भेज दे ऊपर और नीचे तू खड़ा हो जा और उसको ऐसे बोल कि मेरी टांट पे बोल डाल, मेरे सर पे बोल डाल, अगर जब बॉल गिरेगी और यहां पे आगे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो तेरे टांट पे लगेगी नहीं, अभी कोई भी चीज को अगर मैं जीरो वेलोसिटी से मेरे पैन पे, मेरे इस पैन को जीरो वेलोसिटी मेरे से सर पे ऐसे रख रहा हूं तो मेरे को तो नहीं लगी, पर मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगा, आ लगी या छोड़ूंगा और लगी, जैसे हाइट बढ़ेगी और बढ़ेगी और लगेगी, मैं पता नहीं जितनी हाइट से ऊपर आएगा उतना वो जितना टाइम स्पेंड वो करेगा बॉल, जितना वो टाइम स्पेंड करेगा बॉल वैसे वैसे हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 1 सेकंड पर 10, 2 सेकंड पे 20, 3 सेकंड पे 30, 4 सेकंंड पे 40, 5 सेकंड पे 50, 6 सेकंड पे 60, 60, तो जितना टाइम वो ले रही है नीचे गिरने में, जितनी ज्यादा हाइट हो उतना टाइम वो लेगी नीचे आने में, जितनी ज्यादा हाइट हो उतना टाइम वो नीचे आने में लेगी, उतनी उस हिसाब से स्पीड ज्यादा होगी, और तुम यहां बैठ जाओ तुम्हारे लगेगी दबा के, तो ये बोलना सही नहीं है कि यहां पे गिर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाँ गिरने हिट करेगी बॉल, हिट करने के बाद में वो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी जीरो हो रही नहीं हो रही, सरफेस अगर चिकना है तो टप्पा खाएगी से आएगी टॉक 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 टॉक, फिर थोड़ी देर बाद में वेलोसिटी जीरो होगी,
और अगर मिट्टी पड़ी हुई है तो उसके अंदर थोड़ा धसेगी वो, फिर धस के फिर जीरो होगी, एकदम जीरो छोड़ी हो जाएगी। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अगर मान लो तुम गिरे, हाँ ये बात अलग है कि तुम गिरे बिल्डिंग से, तुम्हारा सरफेस जो है बॉडी का और जो सरफेस है नीचे गिर रहा है उस फर्श का, उसका नेचर ऐसा है कि गिरते ही तुम स्वाहा को टप्पा निखाओगे, गिरे भट्ट दे खत्म कहानी। तो एक वेलोसिटी से गिरे हो ना, गिरने के बाद में कुछ टाइम बाद में जो है गिरने के बाद में वेलोसिटी जीरो होगी, पर गिरे तो वेलोसिटी के साथ हो ना दादा। तो यहां पर जब गिरती वेलोसिटी हिट करती है तो वेलोसिटी होती है, तो मैं वही पूछ रहा हूं। इसी केस में यही केस है, वी आर ड्रॉपिंग ए बॉल फ्रॉम एच हाइट, फ्रॉम हाइट एच वी आर ड्रॉपिंग ए बॉल फ्रॉम एच हाइट, ओके मान लो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। और मेरा सवाल है बॉल जब नीचे आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही सर, हर सेकेंड हर सेकेंड हर सेकेंड हर सेकेंड हर सेकेंड सर हर सेकेंड सर हर सेकेंड सर सर हर सेकेंड सर हर सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है सर, हर सेकंड स्पीड बढ़ती जा रही है सर, ओ गॉड ओ माय गॉड, कसम हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, एक सेकंड पर 10, दो सेकंड पर 20, 30, 40, 60, 70, 80 बढ़ती जा रही है सर स्पीड। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ये हिट करेगी ना, ये हिट करेगी ना, एक पर्टिकुलर स्पीड से हिट करेगी ना, तो मेरे को वही चाहिए वेलोसिटी ऑफ हिट, कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगी ये हमको चाहिए, ये चीज हमको चाहिए कितनी स्पीड से हिट करेगी। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो लाला, बोले यस सर यस सर यस सर यस सर, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हिट करेगी सर ये तो। अच्छा जी, तो हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो क्या 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 हम कर सकते हैं? हमारे पास एक तो है इक्वेशन वी बराबर यू प्लस एटी, एक है एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना? ओके, वेलोसिटी ऑफ हिट चाहिए मेरे को, कितनी वेलोसिटी से ये हिट करी। तो यहां से लेकर यहां तक के गिरने का टाइम मेरे को पता नहीं, तो मैं ये टी की जगह क्या रखूंगा, कुछ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहां पे बात करें, मान लो मैंने बोला कि एच हाइट से गिरा है, तो एच है ना मेरे पास, तो मैं मेरे को ये इक्वेशन यूज करना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि यहां पे वापस टाइम आ गया, तो अगर मैं यूज करता हूं मुझे, क्योंकि जो मेरा केस है वो ये है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ हिट निकालना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ हिट निकालना है। अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, ए पॉइंट क्या निकाला हमने, ए पॉइंट हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम व्हिच इज जीटी, एक सेकंड बाद में 10, दो सेकंड बाद में 20, तीसरे सेकंड में 30, ऐसे दिमाग पिक्चर होनी चाहिए। अब पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ हिट कितनी स्पीड से ये हिट करेगी अगर एच एड से गिराया जा रहा है। तो भाई अगर हम यूज करें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, ध्यान समझना, अभी इक्वेशन में माइनस का लगा रहा हूं प्लस का लगा रहा हूं वो समझना। एक ही लाइन बोली अब तक मैंने, वेक्टर की डायरेक्शन अगर बेटे ऊपर तो पॉजिटिव ले लो, और वेक्टर डायरेक्शन अगर नीचे तो क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। बात समझ आ रही? अच्छा एक बात बताओ, जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही तो वेलोसिटी ऑफ हिट कैसे होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव होगी, सर नेगेटिव होगी, सर नेगेटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन नीचे तरफ है। एंड व्हाट अबाउट यू? सर यू तो जीरो है। और व्हाट अबाउट ए? ए क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, डायरेक्शन की तरह नीचे तरफ, तो जी नेगेटिव। और एस, एस क्या है यहां पर ये बताओ पहले तो, व्हाट इज एस? सर एस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके एस क्या डिस्प्लेसमेंट है? अब मुझे आप सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका हूं अच्छे से, तो ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो सोच के बताओ। सोचो भैया, देखो वेलोसिटी ऑफ हिट की बात करें, सर वेलोसिटी ऑफ हिट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है स्क्वायर, यू जीरो है सर, बोलो ओके सर, ए सर माइनस जी सर, बोलो ओके सर, और एस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ढूंढो पहले और फिर फाइनल पॉइंट ढूंढो। सर इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, और सर फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, बोला हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। इनिशियल पॉइंट कहां? ऊपर। फाइनल पॉइंट कहां? नीचे। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर से किधर? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। सो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो ऊपर से नीचे तरफ डायरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे तरफ होगी, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। और ये है कितना डिस्प्लेसमेंट? एच, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस एच, तो माइनस का एच। बात समझ आ रही? तो इसका स्क्वायर करोगे, तो ये बातें किताबों में लिखी नहीं, डायरेक्ट लिखा होता है इक्वेशन, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या चक्कर है, कैसे हुआ ये।
और इसी वजह से आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता होते साथ भी आपके क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं, ये माइनस प्लस इधर उधर करने पे आपके आंसर लगा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा, आपने आप कॉन्फिडेंस रखो सब चीजें हो जाती हैं। तो वी हीट बात बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। वेलोसिटी हीट क्या होगा, अंडर रूट 2gh क्या होगा, अंडर रूट 2gh। तो मतलब वी हीट जो वेलोसिटी हीट है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, अंडर रूट एच के। तो वी और एच में ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमको ये जो चीज समझ में आ गई कि कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, अंडर रूट 2gh से हिट करेगी, ठीक है। और क्या सवाल पूछ जा सकते हैं, और क्या सवाल पूछ सकते हैं भाई, देखो आप जब बॉल को छोड़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब आप बॉल को छोड़ोगे 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 तो टी टाइम के अंदर, कोई टाइम टी के अंदर वो एक हाइट कवर करेगी। अब मैं पूछना चाह रहा हूं वो कितनी, जैसे मान लो मैंने पूछा एक सेकंड में कितनी कितना नीचे गिर गया, बोल दो सेकंड में कितना नीचे गिर गया, बोल तीन सेकंड में कितना नीचे गिर गया, बोल पांच सेकंड में कितना नीचे गिर गया, बोल छह सेकंड में कितना नीचे गिर गया, बोल नीचे कब गिरा, ऐसे कुछ समझ बात को। तो ये बातें अपन अगर आप करें तो अब क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका हाइट ड्रॉप्ड, हाइट ड्रॉप, कितना हाइट ड्रॉप हुआ इन टाइम टी, हाइट ड्रॉप्ड इन टाइम टी, टी टाइम में बॉल कितना हाइट ड्रॉप हुआ, टी टाइम में बॉल कितना नीचे गिरा, वो पता करना साहब। मतलब अगर मेरे पास में ये अगर एक हाइट है, ये एक मेरे पास में एक बिल्डिंग है एच हाइट की, मैंने यहां से बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, मैंने यहां से बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, छोड़ा, समझ रहे हो, मैंने यहां से बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, छोड़ा। तो जब मैंने यहां से बॉल को ड्रॉप करता हूं, मैं यहां से बॉल को जब छोड़ता हूं, समझ रहे हो बात को, तो भाई साहब बात ऐसी है, तो भाई साहब बात ऐसी है, मैं पूछना चाह रहा हूं टी टाइम में बॉल कितना, मान लो टी टाइम में बॉल नीचे कितना गिरा, टी टाइम में जो बॉल है वो एच नीचे गिर गया, यहां से लेकर यहां तक आ गया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं ये हाइट एच कितनी होगी टी टाइम में बॉल, मान लो यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा, टी लगा होगा। तो पूछ रहा हूं टी बॉल जो है यहां से लेकर यहां तक आने में, है ना, यहां से लेकर यहां तक आने में जो है कितना टाइम उसने लिया, सॉरी टी टाइम में बॉल कितना नीचे गिर गई, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो भाई ध्यान सुनो, अगर मैं यूज करता हूं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की बात करें तो यहां से पॉइंट, मैं केवल यहां से ए से लेकर बी तक की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ए से बी अगर मैं लगा रहा हूं इसको तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा साहब, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा एच, और एच किसका होगा, नेगेटिव का। क्यों होगा नेगेटिव का, ओके इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, तो डायरेक्शन नीचे तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे तरफ, जो भी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे तरफ उसको हम लेंगे नेगेटिव में। नाउ व्हाट अबाउट यू, यू इज इक्वल टू जीरो और a इज इक्वल टू माइनस का जी और टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो यहां से h बराबर क्या आ गया सर, h बराबर यहां से आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर यहां से आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई भी जो बॉल है वो t टाइम में कितना नीचे गिर जाती है, अच्छे से याद कर लो, हाफ जी टी स्क्वायर, कितना नीचे गिर जाती है, हाफ जी टी स्क्वायर गिर जाती है। अच्छा अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली अगर देखें हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो भाई g की वैल्यू कितना लेते हैं, 10 लेते हैं नॉर्मली, तो भाई h बराबर आप क्या ले लोगे, 5t स्क्वायर ले लोगे, h बराबर क्या ले लोगे, 5t स्क्वायर। तो बॉल t टाइम में कितना नीचे गिर जाएगी, 5t स्क्वायर। तो एक सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगी, एक सेकंड के अंदर नीचे कितना गिर जाएगी, एक सेकंड में से नीचे गिर जाएगी 5 मीटर, दो सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगी सर, 20 मीटर, तीन सेकंड में सर कितना नीचे गिर जाएगी सर, 45 मीटर, चार सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगी सर, 80 मीटर,
बात समझ रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि एक सेकंड में बॉल, तो यहां पे एक रखोगे तो 5 मीटर, दो रखोगे तो 5 चौक 20, तीन रखोगे तो 9 पंजे 45, समझ रहे हो, चार रखोगे तो 16 पंजे 80। तो ये पिक्चर भी क्लियर हो चुके थे, क्योंकि जब हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना और ये चीजें हमारे दिमाग में सेट है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हम डायरेक्ट हमें दिमाग में पता, अच्छा अच्छा दो सेकंड बाद में स्थिति पता करनी, तो 2 सेकंड में बॉल कितना नीचे गिर गई, तुरंत बता दिया हमने कि 20 मीटर नीचे आ गई, तो अब 20 मीटर हिसाब से, तो दिमाग में वो आधी बातें तो दिमाग में ही खत्म हो जाएंगी, पैर उठाना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो 1 सेकंड में बॉल कितना नीचे गिरती है, 5 मीटर, याद कर लो, 5 टी स्क्वायर गिरती है टी से टी टाइम में, तो 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, समझ रहे हो, 4 सेकंड में 80, बस समझ आ रही है, बोलो हाँ। तो अगर 1 सेकंड में 5 मीटर गिरी, 1 सेकंड में 5 मीटर बॉल नीचे आ गई, तो यहां पे टी बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे, टी बराबर आप यहां पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, टी बराबर क्या रखोगे, आप 1 रखोगे, यहां पे आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, समझ में आ रही है, ओके सर। तो कहानी ये है कि जो 1 सेकंड में कितना बॉल नीचे गिरी, 2 सेकंड में बॉल कितना नीचे गिरी, 3 सेकंड में बॉल कितना नीचे गिरी, इसका ये जो रेशियो आ रहा है, या तो आप बोलो कि जो एच है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर, तो पैराबोला ये भी, इसका एच और टी में ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है, एच प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ग्राफ भी कैसा है, पैराबोला होगा, ठीक है ना। तो जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 5 रेशियो, या फिर आप ऐसे बोलो कि क्योंकि ये सब कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रेशियो, 2 का स्क्वायर रेशियो, 3 का स्क्वायर रेशियो, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ये, मतलब जो रेशियो आ रहा है 1:4:9:16, ये रेशियो आगे तक चल रहा है, बात समझ आ रही है, है ना। तो ये अच्छे से हमको पता होना चाहिए, बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक भी हमको समझ में आएगा। तो ये हमारा हुआ, समझ एक सवाल करें, समझना, मान लो साहब ये एक बिल्डिंग थी, क्या थी, एक ये बिल्डिंग थी, बोलो ओके सर। एक दिन गोलू भैया जो है वो यहां पे चढ़ गए, एक दिन गोलू भैया जो है यहां पे चढ़ गए, इसकी जो हाइट है इस बिल्डिंग की टोटल मान लो 100 मीटर है, और भाई साहब गोलू भैया जो है यहां पे चढ़ गए, क्यों चढ़े, क्योंकि इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में यहां पे कौन रहती थी, यहां पे शालू मैडम रहती थी, कौन रहती थी, यहां पे शालू मैम रहती थी, इसलिए गोलू भैया ऊपर चढ़ गए, और गोलू भैया को शालू मैडम को कुछ देना था, क्या, डेरी मिल्क, क्या देनी थी, डेरी मिल्क, अच्छा। तो भाई गोलू भैया बोले मैं यहां से डेरी मिल्क जो है, यहां से जो डेरी मिल्क है वो गिराऊंगा, और तू बकेट ले लेना, और तू ले लेना और बता देना कब मिली। तो जैसे ही गोलू ने यहां से डेरी मिल्क छोड़ी और शालू की बकेट में जब ये डेरी मिल्क आई, है ना, तो ऐसा होने में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा, मतलब 3 सेकंड बाद में डेरी मिल्क जो है, 3 सेकंड बाद में जो डेरी मिल्क है, 3 सेकंड बाद में जो डेरी मिल्क है, वो डेरी मिल्क जो है वो शालू मैडम के पास आ गई, 3 सेकंड बाद में डेरी मिल्क किसके पास आ गई, शालू मैडम के पास आ गई, 3 सेकंड बाद में डेरी मिल्क जो है वो शालू मैडम के पास में आ जाती है। तो मुझे बताओ, अब सवाल ये है कि शालू मैडम के फ्लैट की हाइट, शालू मैडम के फ्लैट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है, ये सवाल है मेरा। तो देखो, अगर वो पता है ना तो फटाफट दिमाग लगा सकते हो कि भाई अच्छा, इस डेयरी मिल्क को छोड़ा गया और 3 सेकंड बाद में यहां ये नीचे गिरी, यहां तक 3 सेकंड में आने में लगी, इसका मतलब कितनी हाइट कवर कर गई। तो भाई तुरंत बोलो सर 45 मीटर कवर कर गई। सर कैसे, अरे टी समय में बॉल कितना नीचे गिर जाती है, टी सेकंड में बॉल नीचे गिर जाती है सर 5 टी स्क्वायर, तो तीन रखो यहां पर, जब आप 3 रखोगे 9 पंजे 45, ये सर 9, हाँ सर, तो 45 मीटर जो है, 45 मीटर जो बॉल नीचे गिर चुकी है, ये सॉरी डेरी मिल्क नीचे गिर चुकी है, तो ये हाइट कितनी हो गई भाई। 3 सेकंड में इसने बॉल को, ये जो डेरी मिल्क उसको ले लिया ना, कैच कर लिया ना, यहाँ पे यहां से आने में जो है डेरी मिल्क को 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड में कितनी हाइट कवर हो गई, 45 कवर हो गई, टोटल कितनी है 100, इसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा, 55 मीटर।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? ओके सर। तो ये एक पार्ट खत्म होता है, ठीक है ना। अब मान लो और कंडीशंस क्या हो सकती है, ध्यान से और कंडीशंस क्या हो सकती है। अभी हमने बॉल को ड्रॉप किया है, पर नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है व्हेन अ बॉल इज, है ना, व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन अ बॉल, व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, तो क्या क्या कहानियां हो सकती हैं, किस किस चीजों को हमको ध्यान रखना है, उस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए ये है हाइट है साहब, ये है, सॉरी हाइट का ये ग्राउंड है सर, ठीक है ना। और हमारे पास में सर एक बॉल है, हमारे पास में क्या है, एक बॉल है। ओके बोलो, ओके सर। इस बॉल को हमने स्पीड कितनी दी, यू स्पीड दी। जब हम इस बॉल को कितनी स्पीड देंगे, यू स्पीड देंगे, तो ये जो बॉल होगी है ना ऊपर की तरफ जाएगी, ये बॉल जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, बोलो ओके सर। और जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, तो अपवर्ड मोशन की अगर बात करूं मैं, कौन सा मोशन, कौन सा मोशन हो जाएगा, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ये आपका अपवर्ड मोशन हो जाएगा, अपवर्ड मोशन। तो अगर मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं, तो अपवर्ड मोशन में जैसे बॉल ऊपर जा रही है, पहली बात तो बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एमजी लगेगा। अगर बॉल फोर्स एमजी लग रहा है तो जी को आप क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव लोगे, यस सर नेगेटिव लेंगे। और बॉल जैसे ऊपर जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। और आपका जो एक्सेलरेशन है जी, जी की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर और एक्सेलरेशन डायरेक्शन नीचे, तो अगर ये केस है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैंने क्या बताया था, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बताओ 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 सर, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे स्पीड घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे ऊपर होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी अपवर्ड मोशन में, यस और नो, बोला हाँ। और एक्सेलरेशन जो जी है, जी की डायरेक्शन किधर होगी, जी की डायरेक्शन किधर होगी, जी की डायरेक्शन सर किधर होगी, सर जी की जो डायरेक्शन है ना, सर जो जी की डायरेक्शन है ना वो सर किधर होगी, सर जी की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे होगी। भाई जी की डायरेक्शन नीचे, जी की डायरेक्शन नीचे, जी की डायरेक्शन किधर, नीचे, और वी डायरेक्शन किधर, ऊपर, वी ऊपर जी नीचे, वी ऊपर जी नीचे, मतलब वी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, इसका मतलब स्पीड घटेगी, सर स्पीड घटेगी सर, तो स्पीड ऊपर जा रही है, बॉल स्पीड घट रही है, 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 और यहाँ पे पहुंच के स्पीड इतनी घट जाएगी कि स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अपवर्ड मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हो गया, अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन बॉल कहीं पर भी हो, उस बॉल पे हमेशा एम जी चलता रहेगा, अच्छा फिर स्पीड जीरो हो गई। पर यहां पे ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन तो अभी भी किधर है, नीचे है ना, और मैंने आपको पढ़ाया है यू बराबर मान लो जीरो हो और एक्सेलरेशन अगर इधर हो तो बॉल इधर जाएगी, हमेशा बॉल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करती है, बॉल एक्सेलरेशन डायरेक्शन मूव करती है अगर ये कंडीशन है तो। और अगर वी भी इधर है और ए भी इधर है तो बॉल इधर जाएगी, अगर वी इधर है और ए इधर है तो बॉल पहले ऐसे जाएगी, फिर ये स्पीड जीरो होगी, फिर ये बॉल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन अभी भी जो इधर है, बात को बोलो, हा 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 हा, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, तो जी नीचे है ना, तो बॉल अब नीचे आएगी, इसी रास्ते में नीचे आएगी। पर मैं तुम्हें डाउनवर्ड मोशन दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये बात, तो डाउनवर्ड मोशन होगा। चलो अब डाउनवर्ड मोशन की कहानी थोड़ी सी अपन पढ़ लेते हैं, इधर हम लिख रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की बातें, किसकी बातें लिख रहे हैं, इधर डाउनवर्ड हम यहां लिख रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की बातें, ठीक है। पहली बात, बॉल चाहे कहीं यहां हो, 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 कहीं हो, बॉल चाहे कहीं हो, बॉल चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है ना, उस पे एम जी
उस पर एम जी हमेशा किधर लगेगा, उस पर एम जी हमेशा किधर लगेगा, उस पे एम जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। एम जी हमेशा किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं सर, यहां तक फिट है मामला, एम जी नीचे तरफ लगेगा। अच्छा, अगर बॉल नीचे आ रही, एम जी नीचे, तो जी कैसा सर? नेगेटिव सर, जी तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है, फिर भी मैं बता रहा हूं। बोलो ओके सर। अच्छा, बॉल नीचे आ रही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर? सर नीचे। अरे हाँ यार, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, जी भी किधर है? नीचे है। वी भी नीचे, जी भी नीचे, वी भी इधर, ए भी इधर। बताओ अब स्पीड बढ़ेगी घटेगी? सर स्पीड बढ़ेगी, या दोनों के डायरेक्शन में सर स्पीड बढ़ेगी? सर ओ माय गॉड, अगर ऐसा है तो स्पीड इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या इंक्रीजेस? बोलो इंक्रीज होगी, इधर स्पीड इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, टिडिंग 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 बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर यहां पे वो टकराएगी, यहां पे वो टकराएगी। और इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? जितनी स्पीड से गई ना, उतनी स्पीड से यहां वो टकराएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो पहला हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा वो बता रहा हूं आपको मैं। अगर आपने बॉल को फेंका ऊपर, यू से बॉल गई किधर? ऊपर की तरफ। बॉल किधर गई? ऊपर की तरफ गई, अपवर्ड मोशन, बॉल ऊपर किधर गई? ओके सर। फिर बॉल किधर आएगी? फिर बॉल सर किधर आएगी? सर नीचे की तरफ आएगी बॉल सर। बॉल नीचे किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी बॉल सर। बोलो ओके, है ना? तो ये अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड मोशन, बॉल नीचे की तरफ आएगी। तो बॉल अगर यू से छोड़ी गई है ना, तो यहां पर जब बॉल हिट करेगी साहब, तो वो इस पॉइंट पे यू से, मतलब सेम लेवल पर, सेम लेवल पर जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी, पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। इधर जाते वक्त यू, इधर भी जाते यू, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मान लो मैं यहां बोलता, समझो फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां पर ऊपर जाते वक्त मान लो स्पीड, मान लो आपने यहां आपने अपने यू बराबर मान लो 30 लिया होगा, समझो 30 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका होगा, तो नीचे की जब वेलोसिटी हिट करेगी तो वो 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी इस केस में, ठीक है ना? यहां मान लो ऊपर जा रही अपवर्ड मोशन में जब बॉल ऊपर जाती है तो स्पीड क्या डिक्रीज होती है, मान लो डिक्रीज होकर ये कितनी हो गई? 20 होगी, समझो फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है ना? और जब घूम के वापस आ रही नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो इसी सेम लेवल पर यहां पे भी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, ये दिमाग में अगर हमारे होंगे तो हम कैलकुलेशंस फटाफट से कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, हमको पता ही ऐसा होता है यार, है ना? मान लो इस लेवल बात करें, यहां पे अपवर्ड मोशन में स्पीड क्या होती है? अपवर्ड मोशन में स्पीड क्या होती है? घटती है जाते वक्त, ओहो 30 20 मान लो 10 हो गई 10 मीटर पर सेकंड, जब बॉल नीचे आ रही है तो इसी सेम लेवल पे यहां स्पीड कितनी होगी? 10 होगी। मान लो यहां कितनी हो गई? 5 हो गई, ऊपर जाते 5 हो गई, तो इस सेम लेवल पे यहां 5 हो जाएगी, समझ रहे? और मान लो यहां जाके कितनी हो गई? 0 हो गई, समझ रहे? तो अपवर्ड मोशन में स्पीड बढ़ती है, सॉरी अपवर्ड मोशन में स्पीड घटती है, डाउन मोशन में स्पीड क्या होती है? लगातार बढ़ती है। और सेम लेवल पर स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। तो आप चाहो तो ये अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेम लेवल पे जब आप किसी बॉल को हम वर्टिकल अपवर्ड फेंकते हैं तो सेम लेवल पे अपवर्ड मोशन के दौरान और डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फटाफट से इसको आप नोट करेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छा और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? आपने बॉल ऊपर छोड़ा, अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन हमने पढ़ा, क्या क्या बातें हैं इसके बारे में वो हमने पढ़ी, ऊपर जाते वक्त स्पीड डिक्रीज होती, नहीं जाते वक्त स्पीड बढ़ती है, सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, ओके। अच्छा, मेरे मन में ये सवाल आ सकता है, ये बॉल को अगर मैंने कोई पर्टिकुलर स्पीड यू से फेंका
तो बॉल कितना ऊपर जाएगी यार, मतलब बॉल कितना ऊपर जा सकती है, कितनी मैक्सिमम हाइट वो कवर कर सकती है। यस, इस बात करेंगे अपन, इस पर बात करेंगे अपन, है ना। जो पॉइंट है जिस पे अपन दूसरा कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक का, मतलब टॉपिक नंबर टू का, जो कॉन्सेप्ट नंबर हमने वन पढ़ा, अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसी टॉपिक के दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय बॉल, इसी केस में जब आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका है, तो बॉल जो होती है साहब, जो बॉल होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। बोला हाँ सर, बॉल जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है सर, अपवर्ड मोशन बॉल ऊपर जाती है। बोला हाँ 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 हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर, बॉल ऊपर जाती है। मान लो ये जो पॉइंट है वो ए है अपवर्ड मोशन में, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और ये पॉइंट बी है, फिर बॉल क्या होगी, फिर जो बॉल होगी वो किधर आएगी सर, नीचे भी आएगी, डाउनवर्ड मोशन में दिखाना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड मोशन दिखाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन इधर खींच लेते हैं, ये डाउनवर्ड मोशन को दिखा रही है मान लो। हाँ सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बॉल ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन की बात करें हम कहीं पर भी, है ना, तो ये जो मान लो ये हाइट है जो है, ये मान लो मैक्सिमम कवर कितनी हुई, एच है, मान लो मैक्सिमम हाइट ये एच कवर हुई, एच 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 यू से, तो मैं पूछा जा रहा हूँ ये कितना मैक्सिमम ऊपर गई। तो अगर मैं ए से बी तक की बात करूँ, ए से बी तक की चर्चा करूँ, ये लिख देता हूँ, ए से बी तक की अगर मैं चर्चा करूं, ए से बी तक की, यहां से अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं, अपवर्ड मोशन की, अगर हम अपवर्ड मोशन की क्या करें, चर्चा करें, अपवर्ड मोशन की क्या करें, बात करें, बोलो ओके सर करते हैं। मेरे को एक चाहिए, मेरे को यू दे रखा है, ध्यान समझना बेटा, अगर मैं इक्वेशन लगा दूं, भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अगर भाई मैं इक्वेशन लगाता हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ध्यान रखना, मुझे पहले बात बताओ कि अपवर्ड मोशन में बात कर रहे हैं, ए से बी तक बात कर रहे हैं, तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। हाँ सर सही कह रहे हो, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, सर यू को सर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा सर, क्योंकि डायरेक्शन की तरह है, यू की ऊपर की तरफ है, वेक्टर कोई भी ऊपर की तरफ है, कोई भी वेक्टर सर ऊपर की तरफ है, तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। बोलो ओके सर, मान ली बात आपकी, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है सर। वॉट अबाउट ए सर, ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी, वो भी माइनस का। बोला हाँ अब मजा आएगा, ये एस बताओ, ये जो एस है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एस क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना। तो बताओ अब यहां पर जो एस है वो कितना होगा, वो प्लस का एच मैक्स होगा या माइनस का एच मैक्स होगा। अरे सर इनिशियल पॉइंट यहां है, क्यों मजे ले रहे हो, फाइनल पॉइंट यहां है सर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, अपवर्ड मोशन की आप बात कर रहे हो, तो अपवर्ड मोशन में इनिशियल पॉइंट यहां, फाइनल पॉइंट यहां, तो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, सर होगी ऊपर, और सर होगी ऊपर तो वेक्टर ऊपर, और वेक्टर ऊपर तो सर पॉजिटिव लेना, और वेक्टर नीचे तो सर नेगेटिव लेना। क्या यहां इनिशियल पॉइंट नीचे, हाँ, क्या फाइनल पॉइंट ऊपर, हाँ, क्या डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, हाँ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर से किधर, सर नीचे से ऊपर, और वेक्टर ऊपर तो पॉजिटिव, तो इसलिए सर प्लस का एच मैक्स ले लेना। बोला ओके बेटी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा, तो 2GHmax इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो भाई कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया उस बॉल ने जब आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है यू स्पीड से, तो यू स्क्वायर बाय 2G। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बचा पार्टी। तो HmaX कितना हो जाएगा,
यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। जो किसी बॉल को फेंका नीचे से ऊपर तरफ तो कितना मैक्सिमम हाइट कवर करता है, वो यू स्क्वायर बाय 2g कवर करता है। मान लो फटाफट सवाल करते हैं, मैंने बोला कि एक बॉल को आपने फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, बताओ कितना मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। तो 10 गुणा 10 अपॉन 2 इंटू 10, 10 सेकंड गुणा मतलब सर 5 मीटर मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। बोलो ओके ओके। अगर मैं कहूं, क्या मैं कहूं, बॉल को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, तो मैक्सिमम जो एच मैक्स है सर, एच मैक्स कितना हो जाएगा सर? 20 × 20 / 2 × 10 सर 20 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। ऐसे फटाफट से दिमाग लगाना है। तो एच मैक्स कितना, जब किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एच मैक्स कितना? यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, अच्छे से याद होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय 2g। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लो चलो भाई, चलो आगे, चलो ध्यान से पढ़ते हैं। देखो एक सवाल और, मजा नहीं आया, प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस। 30 की स्पीड से बॉल को फेंका, 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका, मैक्सिमम हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट कितना सर? यू स्क्वायर बाय 2g, यू कितना? 30, 30 गुणा 30 बटा 2 × 10 सर, ये इससे कट गया सर, ये इससे कट गया सर, 15 × 45 मीटर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी सर। ओके सर, ओके सर। तो ये कहानी है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बोला ओके 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 सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, अपवर्ड मोशन की बातें करी, डाउनवर्ड मोशन की बातें करी, ऊपर जाते वक्त स्पीड घटती है, नीचे जाते वक्त स्पीड बढ़ती है, रिवाइज करा रहा हूं। और कॉन्सेप्ट ये कि सेम लेवल पर जो स्पीड होती है वो सेम होती है। फिर हमने पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट जो होगी, मैक्सिमम जो हाइट कवर होगी, है ना, मैक्सिमम जो हाइट कवर होगी वो कितनी होगी? यू स्क्वायर बाय 2g होगी। ठीक, अब मेरा सवाल जो है, अब जो तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें से तीसरा क्या सी, मतलब इसी को टॉपिक का सी जो पार्ट पढ़ रहे हैं, सी कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, वो है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कह रहे हैं किसी बॉल को अगर आप नीचे से फेंक रहे हो तो भाई एक अपवर्ड मोशन होता है, या ऊपर जाने में लगा टाइम, ऊपर जाने में लगे टाइम को क्या बोलेंगे अपन? टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे। और भाई नीचे आने में लगे टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? ऊपर जाने में लगा टाइम प्लस नीचे आने में लगा टाइम। एयर रेजिस्टेंस यहां है नहीं, और एयर रेजिस्टेंस अगर यहां है नहीं तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। बोल हां सर। तो ए से बी की बात कर रहे हैं अपन, अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। एक बार किसकी बात कर रहे हैं? अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। और मैं अगर वी बराबर यू प्लस एटी अगर यूज करूं, ध्यान समझना, तो अपवर्ड मोशन की बात करूं तो अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे वी क्या हो जाएगा? फाइनल वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पे आपने बॉल को यू स्पीड से फेंका, ये बोला हां सर फेंका ये यू स्पीड से बॉल को, तो फाइनल स्पीड जीरो। टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में लगा टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ एसेंट। यहां से लेकर यहां तक आने टाइम को क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं ना, यहां से यहां तक, तो फाइनल टाइम मतलब टाइम ऑफ एसेंट के बराबर का होगा जब फाइनली बॉल जब ऊपर जा रही है और इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब वो ऊपर पहुंच चुकी है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी है। तो बॉल जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे उसमें लगा टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, है ना। तो जब वी जीरो, यू पॉजिटिव, ए नेगेटिव, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया साहब? टाइम ऑफ एसेंट आया अपना यू बाई जी। और चूंकि एयर रेजिस्टेंस हम मान नहीं रहे यहां पे, एयर रेजिस्टेंस यहां प्रेजेंट है नहीं, इसलिए जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वही टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इतना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा। अब एयर रेजिस्टेंस होता तो बात अलग होती, ऊपर जाने में लगता, नीचे आने में अलग लगता। समझ रहे बात को? मतलब वो पढ़ेंगे अपन बाद में, टेंशन मत लो। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा? वही यू बाई जी होगा। तो ऊपर जाने में लगा अगर टाइम u by g है तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? u by g लगेगा। ऊपर जाने में टाइम अगर u by g लग रहा है तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? u by g ही लगेगा। तो भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टोटल टाइम कितना लगा? मतलब फेंका तो कितने टाइम उसने फ्लाई किया, कितने टाइम वो फ्लाइट में रहा, कितने टाइम वो हवा में रहा, उसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा सर ऊपर जाने में लगा टाइम प्लस
नीचे आने में लगा टाइम, तो सर टी बराबर हो जाएगा यू बाई जी प्लस यू बाई जी, और टाइम ऑफ एसेंट भी यू बाई जी और वो भी यू बाई जी, तो टी बराबर हो गया सर टू यू बाई जी। बोला ओके सर, ये भी दिमाग में छपा होना चाहिए आपको, ये भी दिमाग में जो है छपा हुआ होना चाहिए। अगर मैं कहूं, मैं क्या कहूं कि ग्राउंड है, बोला ओके सर, बॉल को आपने फेंका, बोला ओके सर, कितनी स्पीड से फेंका सर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो सर टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा यू बाई जी, मतलब 10/10 मतलब 1 सेकेंड लगेगा, तो नीचे आने में कितना लगेगा, नीचे आने में भी 1 सेकंड लगेगा, टोटल टाइम लाइन कितना हो जाएगा सर 2 सेकंड हो जाएगा। बोलो ओके सर, फटाफट निपटा देंगे सवाल, तो हमको टेंशन नहीं है। मान लो सर एक बॉल होती, उस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते, ऊपर जाके वापस नीचे आती, सर टाइम ऑफ एसेंट कितना होता 20/10 होता सर, मतलब 2 सेकंड लगते सर, और नीचे आने में कितना टाइम लगता सर, वही 2 सेकंड लगते सर, टोटल टाइम फ्लाइट क्या होता सर 4 सेकंड होता सर। अर मैं कहूं, क्या मैं कहूं कि ये ग्राउंड है, बोलो ओके सर, ये एक बॉल है, बोलो ओके सर, इस बॉल को हमने फेंका, बोलो ओके सर, कितनी स्पीड से फेंका, 30 की स्पीड से फेंका, किधर ऊपर फेंका, तो टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में लगा टाइम 30/10 = 3 सेकंड, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया 3 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड। बात समझ आ रही कुछ, बात समझ आ रही कुछ, तो ऐसे हम निकालेंगे क्या टाइम ऑफ एसेंट, ऐसे हम निकालेंगे क्या टाइम ऑफ डिसेंट, ऐसे हम निकालेंगे क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ आ रही, अच्छा सर चलिए बताओ, फटाफट से वापस से प्रैक्टिस करते हैं। अगर 10 की स्पीड से बॉल को फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी सर, यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब 10 × 10/2 × 10 × 10 करना मतलब 5 मीटर। मैंने बोला बॉल को 20 से फेंका, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी, फटाफट से सर 20 × 20/2 × 2 सर, इसे कर गया सर 20 मीटर आ जाएगा। 30 की स्पीड से फेंका और 30 की स्पीड से फेंका भाई साहब, तब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी सर 30 × 30/2 × 10 = 45 मीटर सर। बोलो ओके सर, बहुत बढ़िया सर, चला ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कहानी, मतलब यहां तक समझ गए। तो ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, देखो अभी मैक्सिमम हाइट पता कर ली, तो ओह इधर से अपवर्ड मोशन में क्या क्या बातें हुई, डाउनवर्ड मोशन में क्या क्या बातें हुई, क्लियर। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम होती, चाहे ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, ठीक है ना। बोलो ओके सर, ये बातें समझाई आपको। फिर मैंने दूसरी बात क्या समझाई आपको, कि जब आप किसी बॉल को फेंकते हो, किधर फेंकते हो, बॉल को आप जब ऊपर फेंकते हो, है ना, बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो, है ना, तो भाई मैक्सिमम हाइट कितनी होगी सर, यू स्क्वायर बाय 2g, इस पे हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा सर, u बाय g लगेगा, नीचे आने में कितना लगेगा, u बाय g लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा सर 2u बाय g हो जाएगा। बोलो ओके ओके सर, बहुत बढ़िया सर, है ना, यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे अपन ने बात करें अभी तक, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको क्या है, काम आने वाले हैं, ठीक है ना, हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अब मान लो कुछ छोटी मगर मोटी बातें करते हैं, छोटी मगर मोटी बातें करेंगे। मान लो सवाल करें, बॉल को अगर अपने ऊपर फेंका यू स्पीड से, बोलो ओके, बॉल ऊपर गई, बोलो ओके सर, बॉल ऊपर गई सर, ओके सर, फिर बॉल नीचे आई सर, ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मानना बेटा, अब यहां पर ध्यान से बहुत ही ध्यान से समझना है। सवाल क्या है समझना, मैं पूछना चाह रहा हूँ यार, मतलब ये ए ऊपर वाला पॉइंट, मान लो जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी वो पॉइंट बी होगा और ये सी होगा। मैं टोटल जर्नी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं टोटल जर्नी की बात करूँ और सिचुएशन में मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछ लूँ, एवरेज स्पीड मैं लिख देता हूँ, चलो मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए और मेरे को एवरेज वेलोसिटी चाहिए, दोनों चीज चाहिए मेरे को। जब आपने किसी बॉल को यू स्पीड से ऊपर तरफ फेंका ना, वो ऊपर गई, अपवर्ड मोशन हो गया और ये डाउनवर्ड मोशन हो गया,
तो जब बॉल को आपने इसे फेंका तो मेरे को एक दो चीजें, एक तो एक चीज मेरे को एवरेज स्पीड और एक मेरे को चाहिए एवरेज वेलोसिटी। दोनों चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वीडियो करेंगे आप पोस्ट, वीडियो पोस्ट करने के बाद में इस क्वेश्चन को आप करेंगे करेंगे। देखते हैं आपका कितना टाइम लगता है आपको। ओके चलो बेटा ध्यान से मानना भाई। अगर तो हमें चाहिए क्या एवरेज स्पीड, क्या चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए अगर तो हमें, तो भाई हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, और जो टोटल टाइम लगा जर्नी में वो चाहिए। बोला हाँ सर सही कह रहे हो। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई अपॉन टोटल टाइम। तो मेरा सवाल बच्चा पार्टी आपसे ये है कि इस जर्नी के अंदर जब बॉल को आपने नीचे से फेंका किधर ऊपर, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, डिस्टेंस कितनी कवर हुई ये बताओ। अच्छा सर डिस्टेंस पूछना चाहते हो क्या सर आप? बोला हाँ। अरे लाला अरे सर सिंपल तो है, एच ऊपर जाएगा एच नीचे आएगा, सर डिस्टेंस हो गई 2h, ठीक है ना। टोटल टाइम की बात करें तो सर ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा यू बाय जी, नीचे आने में जो टाइम लगेगा यू बाय जी, टोटल टाइम फ्लाइट कितना हो गया सर 2u/g। बट क्वेश्चन में एच नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में एच थोड़ी दे रखा आपको, बोला फेक है ना, क्वेश्चन में आपको एच थोड़ी दे रखा, तो ये एच क्या होगा यहाँ पे? देखो हमको पता है सर जो मैक्सिमम हाइट होती है एच, जो टोटल एच जो होता है ये क्या होता है सर यू स्क्वायर बाय 2g होता है। एच बराबर क्या होता है सर यू स्क्वायर बाय 2g होता है। एच बराबर क्या होता है सर यू स्क्वायर बाय 2g होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाए सुनना, क्योंकि एच बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g होता है एच। जब किसी बॉल को फेंकते हो ना तो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर होती है वो यू स्क्वायर बाय 2g होती है, हमको पता है बात, तो हमने लिख दिया। तो ये जो डिस्टेंस की अगर बात करें, डिस्टेंस की अगर मान लो मैं साइड में डिस्टेंस लिखूं, अगर मैं साइड में डिस्टेंस लिखूं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू से टू कटेगा तो यू स्क्वायर बाय जी, ये यू स्क्वायर बाय जी, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। जब आप चलो ये बात अलग हो जाएगी है ना, जब आप किसी बॉल को ऊपर तरफ फेंकते हो और बॉल ऊपर जाती है, बॉल ऊपर से आगे नीचे आती है, तो कितना डिस्टेंस कवर होता है यू स्क्वायर बाय जी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलो आपके लिए कॉन्सेप्ट बना लो उसको, यू स्क्वायर बाय जी डिस्टेंस कवर करता है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है यू स्क्वायर बाय जी। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट बता यार, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट बता यार कितना कवर होता है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तो कम भी हो सकता है पर डिस्टेंस तो बढ़ेगी भाई। ऊपर ऊपर गया ये तो यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय 2g, नीचे आया ये यू स्क्वायर बाय 2g भाई, ऊपर जाते समय डिस्टेंस कवर करी यू स्क्वायर बाय 2g, नीचे आते वक्त डिस्टेंस कवर करी यू स्क्वायर बाय 2g, तो टोटल कितनी हो गई यू स्क्वायर बाय जी, कितनी हो गई यू स्क्वायर बाय जी, तो डिस्टेंस हो गई अपनी यू स्क्वायर बाय जी है ना, और टाइम कितना लगा 2u/g है ना, समझ रहे हो। ओके सर ध्यान से अगर देखो तो एवरेज बात करो, जी से जी कट गया सर, एक यू से यू कट गया सर, एक यू से क्या कट गया यू कट गया सर, तो यू बाई टू आ रहा यू बाई टू। सो ये आपकी क्या हो गई एवरेज स्पीड, ध्यान रखना ये क्या हो गई आपकी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड कितनी आई अपनी यू बाई टू ठीक है ना। तो मतलब फटाफट दिमाग में मतलब क्वेश्चन आ जाए ना, दिमाग फटाफट दिमाग छेड़ रही आपको कहानी, 10 से फेंका एवरेज स्पीड 5, 20 से फेंका 10, 30 से फेंका 15, 40 से फेंका 20, 60 से फेंका 30, एवरेज स्पीड समझ लो। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जहां पे जहां से फेंका वहीं पे आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में क्या होगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा भाई, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, यहां डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा बेटा, बोला हाँ सर डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना डाला बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, टाइम 2u/g लगा है पर 0/2u/g करोगे 0 आएगा, तो एवरेज स्पीड इज u बाय टू है ना। अच्छा इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते, इसको किसी और तरीके से निकाल सकता है क्या, निकाल सकते हैं तो आप करके देखना है ना। तो ये कहानी हमने यहां तक करी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड u बाय टू। मान लो मैं बोलता कि यार एक बॉल को है ना, मैंने एक बॉल को ना यार मैंने 50 की स्पीड से फेंका, किधर फेंका ऊपर फेंका, तो भाई एवरेज स्पीड बता दो
25, मैंने बोला कि यार 60 की स्पीड से फेंका, एवरेज स्पीड बता दो सर 30। चलो छोटे 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 ये कॉन्सेप्ट सुना है, आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। चलो रैंडम कुछ भी पूछता हूं। मैंने बोला यार बॉल को मैंने 60 की स्पीड से फेंका, तो मैक्सिमम हाइट कितनी भरोगे, क्या करोगे, 60 × 60 × 2g g/10 कितना हो गया, ये 180 मीटर। समझ रहे बात को भाई, यहां से ये कट गया, ये तीन हो गया 180 मीटर। अगर किसी बॉल को आपने 60 की स्पीड से फेंका तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, 60/10 मतलब सर 6 सेकंड लगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा सर, 12 सेकंड हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, यहां पर फिट होनी चाहिए। समझ रहे बात को, ओके। चलो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं। देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर तो आपने किसी बॉल को u = 0 से छोड़ा, अगर आपने किसी बॉल को h हाइट से छोड़ा, u = 0 से h हाइट से छोड़ा u = 0 से, है ना, तो अगर आप किसी बॉल को u = 0 छोड़ते हो, तो मेरा सवाल यह है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड रेशियो, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकंड, है ना, वो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो कराया था वो ये नहीं था, वो ये था कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, वो था वो। अब ये पूछ रहा हूं मैं, तो हम जानते हैं एन सेकेंड में कवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, u + a/2 2n-1 होता है। बोल हाँ सर यही होता है, यही होता है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। हाँ अब चूंकि बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये नीचे तो आ रही है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन अगर है नीचे ही गिर रहा है, डायरेक्शन चेंज अगर हो नहीं रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस कवर्ड होगा। ये सुनो, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यू बराबर क्या है यहां पे, यू जीरो है, यू क्या है, जीरो है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही, बॉल ऊपर से नीचे आ रही, मान लो यहां कोई टाइम होगा तो ऊपर इनिशियल पॉइंट, ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, इनिशियल पॉइंट ऊपर और फाइनल पॉइंट नीचे, इनिशियल पॉइंट ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, इनिशियल पॉइंट ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, इनिशियल पॉइंट ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नीचे होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वो किधर होगी, किधर होगी, किधर होगी, किधर होगी, नीचे होगी। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, नीचे होगी, तो भाई डिस्प्लेसमेंट लगेगा नेगेटिव, टू जीरो, जी नेगेटिव, जी नेगेटिव, बस समझ आ रही है, जी नेगेटिव, क्योंकि एम जी तो अभी हमें हमेशा कहीं पर बोलो एम जी तो नीचे लगेगा, और अगर भाई एम जी नीचे लगेगा तो जी हमेशा किधर होगा, नीचे होगा, और जी हमेशा अगर नीचे होगा तो तुम समझ ही गए, सो नेगेटिव लेना है। सो भाई ये एस एन सेकंड डिस्टेंस का बट क्या हो गया, ये हो गया g/2 2n-1, यही हुआ। हाँ तो भाई अगर फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हो तो भाई g/2 बोल तो कितना हो गया, सर ये हो गया 5, ठीक है ना, 2 × 1 - 1 कितना हो गया, देखो ध्यान से सुनना, 2 - 1 2 - 1 1, तो ये हो गया अपना 5 मीटर, ठीक है। सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालें, तो 5 2 × 2 - 1, तो 2 × 4 = 4 - 1 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 5 से 15 तो ये कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। ऐसे थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर की बात करूं तो यहां पर रखूंगा 3 रखूंगा, 6 - 1 = 5, ये कितना, 25 हो गया। तो भैया तुम रेशियो देखो तो क्या आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है रेशियो में, किस हिसाब से आ रहा है, 5 मीटर रेशियो 15 मीटर रेशियो 25 मीटर, है ना, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 × 5 5 × 15 25, तो ये रेशियो रहेगा। इसको हम बोलते हैं गैलीलियो का ओड नंबर रूल, क्या बोलते हैं इसको, गैलीलियो का ओड नंबर रूल, ठीक है ना। तो मतलब जब कोई बॉल को आप ड्रॉप करते हो ऊपर से तो फर्स्ट सेकंड
सेकेंड सेकेंड थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड का जो रेशियो है वो ओड नंबर में होता है, 1:3:5:7:9. यही क्या है? गैलीलियो का ओड नंबर मल्टीपल रूल, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज पढ़ेंगे, तब तक के लिए बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।